अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। कान्हा की नगरी मथुरा में होली के आयोजनों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, जहां जगह जगह मान्यताओं के अनुसार कहीं लठामार होली तो कहीं कपड़ा फाड़ होली की खबरें आप देख ही रहे होंगे। लेकिन हम आपको फूलों की होली के साथ चुरकुला नृत्य दिखाने जा रहे हैं। आखिर चुरकुला नृत्य क्या है और इसका होली के पर्व से क्या लेना देना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं चुरकुला नृत्य, जो कि होता है श्री राधा रानी के ननिहाल गांव मुखराई में। ब्रज की अष्टधात्री देवी राधा रानी के जन्म से जुड़ा है चुरकुला नृत्य का इतिहास। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा के गांव मुखराई की हैं, जहां ब्रज के कलाकारों द्वारा फूलों की होली के साथ चुरकुला नृत्य का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। वहीं इस दिव्य आयोजन को देखने के लिए राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों समेत देश विदेश से लोग गाँव मुखराई पहुँचते हैं। मान्यता के अनुसार धूल होली के दूसरे दिन इस चुरकुला नृत्य का आयोजन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि मुखराई गांव राधा रानी का ननिहाल है, जहां आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व राधा रानी की नानी मुखरा देवी ने राधा रानी के जन्म की खुशी में रथ के पहिए पर 108 दीपक रखकर नृत्य किया था। वही परंपरा का निर्वाह आज भी यहाँ की महिलाएं करती चली आ रही है। बताया जाता है की इस चुरकुला में 51 किलो का वजन होता है, जिस पर 108 दीपक रखकर गांव की महिलाएं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 51 किलो वजनी चुरकुला को सर पर रखकर नृत्य करती हैं और इन्हें वजन का कोई आभास भी नहीं होता। नगाड़ों की धुन पर ये महिलाएं राधा रानी की भक्ति में लीन होकर नृत्य करती हैं। इस अलौकिक नृत्य को देखने के लिए देश विदेश से लोग राधा रानी की ननिहाल मुखराई में आते हैं। इस अलौकिक नृत्य का शुभारम्भ भाजपा विधायक पूर्ण प्रकाश ने चुरकुला में दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं चुरकुला नृत्य के दौरान विधायक भी इतने भाव विभोर हो गए कि चुरकुला प्रांगण में चुरकुला लेकर नृत्य कर रही महिलाओं के साथ जमकर थिरके। ये चुरकुला नृत्य कई देशों में अपना स्थान बना चुका है। इस चुरकुला नृत्य की शुरुआत राधा रानी के ननिहाल से ही हुई थी। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, जो आप ये चुरकुला नृत्य करते हैं, कब से कब चली आ रही हैं? हाँ जी, आप कितने चली आ रही हैं? करीब हो गए 40 एक वर्ष हो गए।
ये मानता है राधा रानी की जन्म हुआ था, राधा रानी की नानी की जन्म हुआ था, राधा रानी की नानी चरकुला लेके 108 दीपक लेके सिर पे रख के दीपक जला के नाचती थी, जन्म तिथि की शुभकामना में तो नाचती थी। फिर क्या नाम है आपका? जयदेव जी। क्या नाम है आपका? जयदेव। जयदेव जी बताएं कि आज जो चरकुला है इसको आप काफी समय से इसके लिए नृत्य करती चली आ रही हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 51 साल की मानो। और कितना वजन है इस चरकुला में? 51 किलो। और दीपक कितने होते हैं? 108। देखिए क्या मान्यता है, क्यों नाचने में लेकिन नाचती है? राधा रानी ने जन्म लियो जी तो उसकी नानी एकदम उठी सुबहने चरखला लेकिन वो नाची थी, एकदम लेकिन रथ के पहिया धर के नाची थी जी। तो भाई खुशी में हम यह मानते चले आ रहे हैं। तो इस परंपरा के पीछे कोई और कोई बात, जैसे राधा रानी के जैसे जन्म की खुशी में लेके चरखला को लेके नृत्य किया आप लोग करते हैं आप लोग? हाँ। मोगरा देवी ने भी किया। हाँ। तो बाकी की जैसे कुमार को विदेशों में भी अपना स्थान प्राप्त कर चुका है। हाँ। क्या कहेंगे इस विषय में आप? क्या कहेंगे? यही कहेंगे पहले थे तो हमारी सासू माँ करें और उनने हमको सिखायो, उनके पीछे हम कर रहे हैं, करते करते हमने कम से कम नहीं तो 40 साल होती आई, 35 साल होती आई, उनके पीछे हम ही कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको जब आप नृत्य करती हैं? ऐसा लगे कि बिल्कुल वजन नहीं है इसमें, हल्के फूल की तरह हम एकदम झूम उठे नाच उठे। मैं पूरनपुर का विधायक बल गिरिराज महाराज की जय। आज हम गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर चुरकला जो बहुत बड़ी बहुत पुरानी परंपरा, यहीं से चुरकला का शुरुआत भी यहीं से हुई थी और होली के दूसरे दिन यहाँ पर दौर पर ये मनाया जाता है। बहुत बरसों पुरानी ये कला है, निश्चित तौर पे आप बिलीव करेंगे अभी देखेंगे कि 51 किलो का 108 दीपक लेके हमारी जो है यहाँ पर राधा रानी के स्वरूप में जो नरियाल नरियाल में यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा। और अब इतना ही नहीं, होली तो हर जगह मनती है, हर जगह पर्व है, लेकिन हमारे इस गांव में अपना ये काला स्थान है आज उसका यहाँ पर उत्सव हो रहा है। ढोल नगाड़े शुरू हो गए हैं, अभी अभी शुरू होने वाला, जय हो जय हो। और यहाँ पर जितने लोग आए मुझे इतना लगाव है, मैं दो बार यहाँ से विधायक, चार बार मेरे पिताजी यहाँ से विधायक, अभी दो बार से बलदेव से विधायक हूँ, लेकिन यहाँ की जो ठाकुर जी के स्वरूप जो दिखाई देता है उसको देखने की, मैं मेरा परिवार भी यहाँ पर है और सब अधिकारी हैं, सभी आने वालों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ऐसे ही जो प्यार लगाव की एक जो ठाकुर जी की परंपरा है, ऐसी घर घर ये फैले, ऐसी मोहब्बत प्यार का पैगाम जावे और सभी लोग देशवासी प्रदेशवासी हमारे ब्रजवासी इसका सब आनंद लें, ये आपसे सबके सबको। हमारा नाम है संजय गोस्वामी, हम बरसाना के रहने वाले हैं। हम ये मान रहे हैं कि राधा जी के जो जन्मोत्सव पे जो बधाई गाई जाती है और राधा जी की चूंकि ननसार है मुखराई या राधा जी के ननिहाल में यह खुशी का इजहार किया जाता है। जब भी कोई नव दंपति या विवाहित होकर आती है वो इसमें खुशी का इजहार करती है और वो चरणा जी के माध्यम से राधा जी के जन्मोत्सव की बधाई देती है और ये धुलने के बाद ये मनाया जाता है। और जो भी नव दंपति आती है कहती है अगर मेरा जन्म मिले तो ब्रज में मिले और चाहे चाहे जहाँ करूँ। यहाँ कहा गया है कि मुक्ति है गोपाल सो मेरी मुक्त बताए, ब्रज रण उद्भक्तक लगे मुक्त मुक्त रह जाए। यहाँ की रज लगने से यहाँ पर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रहन, यहाँ पर ये प्यारी पग धरें कृष्ण धरे दो नैन। यहाँ मुखराई गाँव में हम लोग बरसाना से आए, खुशी का इजहार करने आए, राधा जी की सखियों के रूप में हम देख रहे हैं। यह बरसाना या मुखराई में बहुत ही आनंद आ रहा है और जो लोग यहाँ नाचते हैं उनके दो दो बच्चे पैदा होते हैं या नाचन हारी के दो दो हूजों, एक मुकदम एक पटवारी, यहाँ सबसे बड़ी पद होता है मुकदम और पटवारी का। और जो खुशी का इजहार करते हैं वो सखाओं को, राधा कृष्ण के सखाओं को बूढ़ी पूड़ी और बूरा देते हैं।
वो अपने आप को धन्य मानते हैं और यही मानते हैं हमारा जन्म हो तो ब्रज में हो।